बीसीसी ऑल स्टूडेंट, अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हो तो जल्द से जल्द जाकर फॉर्म फिलअप करो यार। फॉर्म के बारे में एक एक डिटेल जानकारी मैंने दे चुका है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो देख लेना। कर रहे हो फॉलो करके फिलअप किए होंगे, फिर भी मिस्टेक कुछ बच्चे कर दिए हैं, तो उन बच्चे के लिए यह वीडियो खास है। अगर आप फिलअप कर दिए हैं, मिस्टेक नहीं भी किए हो तो यह वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे अगर हो सके मिस्टेक हो गया हो तो उसे सुधार सकते हैं। और वेटिंग डेट कब तक होने वाला है इस पर डिस्कस करेंगे, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कब तक है इस पर डिस्कस करेंगे, उससे आगे डिस्कस करेंगे चेक मिस्टेक, आगे डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट। मेरे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कहाँ से मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का कहाँ से मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि फॉर्म फिलअप करने की अंतिम डेट, और फॉर्म फिलअप करने की अंतिम डेट है 19/5 यानी कि 19 मई तक। अब 19 मई के शाम 4 बजे से पहले फिलअप कर देना, नहीं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और फॉर्म अप्लाई नहीं होगा तो कहीं भी कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप नहीं होने वाला है। और एडिटिंग डेट, हाँ, बीसीसी के जो भी फॉर्म फिलअप करते समय गलती हो गई होगी, आगे मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती होती है और आपने किया होगा, तो उस सारे गलती को सही कर लेना, क्योंकि यह डेट फिक्स होता है एडिटिंग का, उसके बाद कभी भी एडिट नहीं होगा। आप परेशान रहेंगे, हो सके उसके साथ आप बेस्ट स्कोर करके भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है केवल एक मिस्टेक से, तो पूरे मिस्टेक को दिमाग में लेकर चलना और सभी मिस्टेक को अभी सुधार लेना। क्या, तो एडिटिंग डेट 23 मई से लेकर 25 मई तक चलने वाला है, यानी कि 23 से लेकर 25 तक। उसके आगे बात करें चेक मिस्टेक, कहाँ कहाँ मिस्टेक चेक कर लेनी है, क्योंकि आप गलती करते हो, क्योंकि पहली बार जा रहे हो ना, तो गलती तो करोगे ही, और गलती करना स्वाभाविक बनता है, और सबका गलती को सुधारने का काम मेरा है और मैं बता रहा हूँ वैसे सुधार लो। चलो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल डिटेल में। अब पर्सनल डिटेल में बहुत सारे चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जिसे देख लेना जिससे आपको आगे चल के दिक्कतें आ सकती है। जैसे मैं नेम, हाँ, नाम आपका एडमिट कार्ड पे जो है वही होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी सी मिस्टेक, एक वर्ड मिस्टेक भी होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एडमिशन, क्यों ना आपका 100 अंडर भी रैंक आ जाए। डिस्कस करते हैं पर्सनल डिटेल में, आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड वाले डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेंगे, आपका मार्कशीट पे जो है, हाँ, 12th के मार्कशीट पे जो है, एडमिट कार्ड पे वो डेट ऑफ बर्थ चलेंगे। उसके आगे बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट कौन सा है पहले श्योर हो जाए अपने फादर से, तब जाकर कास्ट में कास्ट को फिलअप करें, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बाद में इधर उधर बदल के बनवा ले ऐसा नहीं होता है। इसके कारण भी 100 रैंक आने के बाद भी एडमिशन कैंसिल। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस, अब एड्रेस तुम्हारा जो हो वही डालना, आधार कार्ड वाले एड्रेस डालना। नेक्स्ट बात कर ले, यह सारे चीज़ को चेक करने के बाद में आधार नंबर भी चेक कर लेना, क्योंकि आधार नंबर भी बहुत स्टूडेंट गलत कर लेते हैं। ते हैं एजुकेशन डिटेल, अब एजुकेशन डिटेल में क्या क्या चेक करनी होती है, तो एजुकेशन आपने कहाँ से 12th पास किया, 10th कहाँ से पास आउट किया, यह सारे चेक कर लेना, और कितना परसेंटेज किन किन सब्जेक्ट में आया यह भी चेक कर लेना, क्योंकि इसके कारण भी रिजेक्ट कर दी जाती है एडमिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन डिटेल में, यह सारे चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप रोल कोड, रोल नंबर वह भी चेक कर लेना, और ईयर, किस ईयर में पास आउट हुए हो वह भी चेक कर लेना। अब आगे हम बात करते हैं, यह सारे चेक करने के बाद में आता है SMQ DQ वाले स्टूडेंट के लिए, तो भाई SMQ कब होगे यह चेक कर लेना। SMQ सभी सरकारी नौकरी वाले फादर के लड़का नहीं होते हैं, हाँ कुछ तो कौन कुछ होते हैं, तो मैं इससे PDF ले लेना, वह पढ़ लेना, उन सभी अपना SMQ बनाना, बाकी सब SMQ में नहीं जाना है। DQ वाले, तो DQ कहाँ से बनाना है यह पहले जान लो, तब जाके DQ डालना, क्योंकि DQ इधर उधर के दोगे तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद पे रिसीव, हाँ पे रिसीव देख लेना, सभी कोई पे रिसीव अपना रखना, और साथ में पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करके अभी रखो। पे रिसीव
पार्ट ए और पार्ट बी यह दोनों डाउनलोड करो कर रखो, क्योंकि इसके कारण भी आपका रिजेक्ट हो सकता है एडमिशन। चलो अब लास्ट बातें बताएंगे चार नंबर में, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, जो भी मीडियम वाले स्टूडेंट है वह सिंपल सा गूगल से देंगे। हाँ, गूगल हो गई, मॉक टेस्ट यहाँ पे देकर क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेट को अलाउ कर देते हैं तो हिंदी मीडियम भी ट्रांसलेट हो जाएगी। लेकिन अब आता है PYQ, तो PYQ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। हाँ, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको PYQ पूरी से ऑफिशियली पब्लिश नहीं की जाती है, जिसके कारण आपको कोई भी PYQ नहीं देगा। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर देना, और दोस्तों में सभी दोस्तों के पास शेयर करो। इस वीडियो पे ही 4K हो जानी चाहिए। अब PYQ चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज करो, आप सभी को ज़रूर मिलेगा। जय